कि वेल प्लान्ड तरीके से बाहर के गुंडे बीजेपी ने मंगवाए और ये दंगा जो है, ये दंगा नहीं, ये हत्याकांड कराया है, कि कोर्ट को किस तरह से या तो डराया जा रहा है या मैनेज किया जा रहा है और किसी तरह से काबू में लिया जा रहा है ताकि सरकार के विरोध में कुछ भी हो ना सके। पावा हैं जितने भी, सब बीजेपी के हैं, वो सब उसी तरह से चल रहे हैं, लेकिन लोगों को सोचना चाहिए कि ये बाबा वही हैं जिनमें से कुछ तो जेल में पड़े और कुछ ये बाहर घूम रहे, इनकी भी करतूतें देर सवेर सामने आ जाएंगी। इन बाबाओं से बचें, अपने घर में बैठें, आराम से सोच समझ के वोट करें, तरीके से वोट करें, बस इतना ही। कन्हैया कुमार के खिलाफ आरोप सिर्फ इतना है कि उसने जो वहां देश विरोधी नारे लगा रहे थे उनको रोका नहीं, केवल ये आरोप है चार्जशीट में इसकी चली गई। कांग्रेस जब अपने लोगों को नहीं संभाल पा रही तो किसको क्या कहोगे? बीजेपी को तो हवस है, सत्ता की हवस, भूख नहीं हवस उसमें लगी, उसके लिए चाहे सिद्धांतों को तिलांजलि देनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, किसी को खरीदना पड़े, कुछ भी करना पड़े उसके लिए वो करेगी, लेकिन जनता के लिए काम नहीं हो पा रहा, जनता की सेवा नहीं हो पा रही। अबे एक व्यक्ति जो राजा, आपको शायद ग्वालियर में गए नहीं है कभी, जाके देखें, आज भी उस परिवार को राजा ही माना जाता है, और एक राजा होकर ये कहे कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, जिसके मंत्री उस सरकार में हैं, जो ये जो हटे हैं लोग जो जिन्होंने इस्तीफा दिया, इसमें कई मंत्री हैं जो उसके हैं, सिंधिया ग्रुप के हैं, तुम्हारे मंत्री हैं, तुम्हारी सरकार है, तुम राजा हो, उसके बाद कह रहे हो कि तुम्हें काम नहीं करने दिया जा रहा, फिर राजा काय बात का, भैया मंत्री बन के काम करेगा, केंद्र में मंत्री बन के नहीं, कुछ और है, राज कुछ और है, बातें कुछ और है, इनसे सावधान रहना चाहिए लोगों को। सर ये लगातार लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में बाहर से आरएसएस के कुछ लोग आए हुए थे जिसने दिल्ली में हिंसा भड़काई है, ये कहां तक सही है? तो लोग तो सही कह रहे हैं, इसमें गलत क्या है भाई? ये तो गृह मंत्री भी शायद कह रहे हैं कि बाहर से लोग आए थे, तो बाहर से कौन लाया भाई, कौन किसने बुलाएगा बाहर से, है नहीं है? तो तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन अगर ये कह रही है कि बाहर से लोग आए थे, तो निश्चित रूप से बाहर से आए थे, और लोगों को भी मालूम है, क्योंकि जितनी वीडियोस हैं उसमें खुद लोग इस बात को कह रहे हैं कि दिल्ली के वो लोकल लोग नहीं हैं जिन भी मोहल्लों में बात हुई है, क्योंकि वो लोग अपने मोहल्ले के लोगों को तो पहचानते हैं ना कि भाई कौन अपना है और कौन बाहर का है। सो वो जब लोग कह रहे हैं और सरकार भी इस बात को कह रही है, तो पक्की बात है, मैं भी इस बात को बहुत पहले से कह रहा हूं कि वेल प्लान्ड तरीके से बाहर के गुंडे बीजेपी ने मंगवाए और ये दंगा जो है, ये दंगा नहीं, ये हत्याकांड कराया है। सो ये तो इसमें शक वाली कहां बात है, सही कह रहे हैं लोग बात। आज लोग जो है डरे हुए हैं और ये लगातार कह रहे हैं कि फिर ऐसी दंगा होने की हिंसा। देखिए डर मैं मानता हूं स्वाभाविक है, लेकिन लोगों को इतना भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें एक सुखद पहलू ये भी रहा है कि कई जगह पर अगर किसी मुस्लिम परिवार के साथ में दिक्कत है, तो वहीं पड़ोस के जो मोहल्ले के जो हिंदू परिवार के लोग हैं, उन्होंने उनको सेव किया है, बचाया है। और इसके साथ साथ ऐसा भी हुआ है कि कहीं हिंदू परिवार के लोग अगर मुसीबत में आए हैं या मंदिर मुसीबत में आया है, तो मुस्लिम परिवार के समाज के लोगों ने उनको बचाया है, सेव किया है। सो इसका मतलब यह है कि इंसानियत बची है। दूसरा, जहां सब लोग मोहल्ले के लोग जाति धर्म को छोड़ के इकट्ठे हो गए, वहां से ये गुंडे भागे भी हैं। सो घबराने की जरूरत नहीं है, जरूरत इस बात की है कि ये घटना कभी भी हो सकती है। हम सबको मिलके रहना है, इकट्ठे लेना है, और बाहर का कोई भी व्यक्ति आके अगर इस तरह की करता है, उसका मुकाबला करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम सुरक्षित रहेंगे, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। सर ऐसा लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई ना होकर मंदिर मस्जिद की लड़ाई है। नहीं, ये तो प्रचार है, ये प्रचार है, मंदिर मस्जिद की लड़ाई या हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, ये असली ये है कि इस देश के संविधान को खत्म करने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, इस देश में इंसानियत को खत्म करने के लिए बीजेपी द्वारा वेल प्लान्ड तरीके से कराया गया हत्याकांड है ये, और कुछ नहीं है इसमें। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश है? लेना चाहिए भाई, सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए सुमोटो एक्शन, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं ले रहे हैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ ये शायद इस वजह से होगा कि इस विषय में जो FIR होनी चाहिए, जिन नेताओं के भड़काऊ भाषण थे उन पर मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, आज भी 2 बजे से सुनवाई होने वाली है उसमें दिल्ली हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के यहाँ। सो वो चल रहा है मैटर, हो सकता है उस वजह से, पर शुरू में ही लेना था, सुमोटो लेना था तो शुरू में ही लेना था, जैसे जस्टिस एस मुरलीधर ने लिया था तब शायद बहुत कुछ बच सकता था। मुरलीधर के ट्रांसफर के बाद सर लोगों का तो यकीन अब कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से नहीं। देखिए ये घटनाएं तो केवल अब की बात नहीं है, पहले की भी है, इसे तो आप समझ लीजिए कि जो बात मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि कोर्ट से भी हमें न्याय की उम्मीद नहीं, इस बात से तो ठप्पा लग गया। जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर जिस तरह से रातों रात किया गया और उन्हें कहा गया कि सुबह जाके आप वहां से जो है जाके अपना वो संभालो, कार्यभार वहां पे संभालो, सो इस बात से इस बात में माहौल लग गई कि कोर्ट
को किस तरह से या तो डराया जा रहा है या मैनेज किया जा रहा है और किसी तरह से काबू में लिया जा रहा है ताकि सरकार के विरोध में कुछ भी हो ना सके। बिहार चुनाव सर आते ही जो है संत साधु महात्मा का बहुत बड़ा प्रवचन होने लगा है सर बिहार में, क्या अच्छा। इसको एक वोट को एकत्रित करने का एक बड़ा जरिया है? हाँ बिल्कुल, ये तो जितने भी बाबा हैं ये जितने भी सब बीजेपी के हैं वो सब उसी तरह से चल रहे हैं, लेकिन लोगों को सोचना चाहिए कि ये बाबा वही हैं जिनमें से कुछ तो जेल में पड़े और कुछ ये बाहर घूम रहे, इनकी भी करतूतें देर सवेर सामने आ जाएंगी। इन बाबाओं से बचें, अपने घर में बैठें, आराम से सोच समझ के वोट करें, तरीके से वोट करें, बस इतना ही। कन्हैया कुमार पर सर जांच का आदेश दिया है, ये कहाँ तक सही है? जांच का आदेश केजरीवाल का मन जो है बदल गया क्या? नहीं, जांच का आदेश नहीं, देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए इसकी परमिशन दी गई। देखिए ये बिल्कुल गैर कानूनी है, बिल्कुल गलत। कन्हैया कुमार के खिलाफ आरोप सिर्फ इतना है कि उसने जो वहां देश विरोधी नारे लगा रहे थे उनको रोका नहीं, केवल ये आरोप है चार्जशीट में, और इसमें किसी भी तरह से देशद्रोह का मुकदमा बनता नहीं है। यहाँ आप देखें, यहाँ जंतर मंतर पे है, कोई आके कुछ भी नारे लगाने तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे रोकूंगा, तो क्यों यूं क्यों बोला? यहाँ जो जिम्मेदारी है पुलिस प्रशासन की तो हो सकती है, मेरी नहीं है, इसी तरह से कन्हैया कुमार की नहीं है। दूसरी बात, ये देशद्रोह शब्द नहीं है, ये जो पहले उसके लिए था ये राजद्रोह शब्द था, आईपीसी में जो इस्तेमाल किया गया राजद्रोह, और वो भी ब्रिटिशर्स के समय का ये नियम बनाया गया है, और उन्होंने अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए उसके खिलाफ किसी तरह का जो आंदोलन ना हो, किसी तरह की जो विद्रोह ना हो, उसको दबाने के लिए ये राजद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया, देशद्रोह नहीं है। तो राजद्रोह में देशद्रोह में अंतर है, राजद्रोह सरकार के खिलाफ है, देशद्रोह देश के खिलाफ है। सो ये जो परमिशन दी गई है ये गलत दी गई है, जो केजरीवाल सरकार ने किया है बहुत गलत किया है, और दिक्कत इस बात की है मुझे, इस बात में मैं सोच रहा हूं कि क्या 3-3.5 साल तक इसीलिए चुप लगा रहे कि पहला इलेक्शन हो जाए उसके बाद ये परमिशन दूंगा, तो इलेक्शन के आते ही सारा काम कर दिया उन्होंने केजरीवाल जी ने, तो केजरीवाल जी के विषय में भी सोचना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत पहले से कहता हूं केजरीवाल भी आरएसएस का एजेंट है, बीजेपी की ही भी टीम है, इसको भी लोगों को समझना चाहिए। अरे यार ये राजनीति चलती रहती है, इनके विषय में क्या है, बीजेपी की सरकार बन जाएगी कांग्रेस की चलेगी, कांग्रेस जब अपने लोगों को नहीं संभाल पा रही तो किसको क्या कहोगे? बीजेपी को तो हवस है, सत्ता की हवस, भूख नहीं हवस, उसमें लगी, उसके लिए चाहे सिद्धांतों को तिलांजलि देनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, किसी को खरीदना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उसके लिए वो करेगी। लेकिन जिस पार्टी से छोड़ के इतना बड़ा नेता गया है उस पार्टी को भी सोचना चाहिए कि उसकी लीडरशिप क्या है, उसकी लीडरशिप पे सवाल है कि कैसे चला गया 18 साल वाला व्यक्ति, इतना बड़ा मजबूत व्यक्ति जो आपके छोड़ के चला गया, तो आपकी लीडरशिप में कमी है ना, उसको भी देखना चाहिए। और रही इनकी बात, तो भैया ये नेता ऐसे ही हैं आजकल के जितने भी ये देख रहे हैं कि जहां भी इन्हें अच्छे टुकड़े मिल जाएंगे वहीं भाग जाते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब उनको जो शामिल कर लिया, टिकट दे दिया और वो केंद्र सरकार में मंत्री बन जाएंगे और वो मस्त रहेंगे। हालांकि कह ही रहे हैं कि ये जो है जनता के लिए काम नहीं हो पा रहा, जनता की सेवा नहीं हो पा रही। अबे एक व्यक्ति जो राजा, आपको अशात ग्वालियर में गए नहीं है कभी जाके देखें, आज भी उस परिवार को राजा ही माना जाता है, और एक राजा होकर ये कहे कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, जिसके मंत्री उस सरकार में है, जो ये जो हटे हैं लोग जो जिन्होंने इस्तीफा दिया, इसमें कई मंत्री हैं जो उसके हैं, सिंधिया ग्रुप के हैं, तुम्हारे मंत्री हैं, तुम्हारी सरकार है, तुम राजा हो, उसके बाद कह रहे हो कि तुम्हें काम नहीं करने दिया जा रहा, फिर राजा काय बात का? भैया मंत्री बन के काम करेगा, केंद्र में मंत्री बन के नहीं, कुछ और है, राज कुछ और है, बातें कुछ और है, इनसे सावधान रहना चाहिए लोग। प्रदेश पोस्टर मामले में सर पहले हाईकोर्ट ने लतारा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज लतारा, इसको किस तरह से देखें? नहीं बहुत अच्छा भाई, इस विषय में थोड़ा थोड़ा जो है लगता है कि हाँ अभी पूरी तरह से अदालत खत्म नहीं हुई, न्याय पूरा खत्म नहीं हुआ, और सबसे ज्यादा धन्यवाद जस्टिस माथुर को, चीफ जस्टिस जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के, उन्होंने सुमोटो एक्शन लिया, और जिस तरह से उन्होंने एक्शन लेके पुलिस को कहा है कि इन्हें हटाया जाए और तुरंत 16 तारीख से पहले पहले जो है एफिडेविट फाइल करे कोर्ट में, ये बहुत अच्छी बात है। दुखद ये है कि सरकार उस आदेश के खिलाफ यहाँ आई है, उसे वहीं रुकना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, लेकिन आई है, बढ़िया किया कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि किस कानून के तहत आपने ये सब कुछ किया वो बताओ, कानून तो बताओगे, ऐसे थोड़ी कर दोगे, जो मन में आ रहा है वो कर दोगे। ये सारी चीज़ें जो हुई हैं अच्छा है, और सुप्रीम कोर्ट को मैं तो कहता हूँ कि जिन लोगों ने किया है उनको टांग देना चाहिए, हकीकत तो मज़ा तो तभी आएगा, पता तो तभी रहेगा कि इन लोगों को सबक जरूर तभी मिलेगा कि जो कलेक्टर है, एसपी है या सेक्रेटरी है, इनको बाकायदा टांग देना चाहिए कि तुमने ये जो सब कुछ किया है ये असम
संवैधानिक है, गैर कानूनी है और लोगों की मॉब लिंचिंग के लिए तुमने पूरी भूमिका तैयार की है, तुम्हें कोई अधिकार नहीं, टांग देना चाहिए, नौकरी तो खाई लेनी चाहिए, ये करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। अमित शाह से लगातार इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्या? अरे अमित शाह से इस्तीफा नहीं, उसके खिलाफ FIR कराओ, ये मत करो आप, इस्तीफे की जरूरत नहीं, इस्तीफा मांगो प्रधानमंत्री से, अमित शाह के खिलाफ FIR करवाओ, ये मांग होनी चाहिए छोटी सी। ये हो पाएगा सर? ये लगता है कि हो पाएगा सर? ये सरकार जब तक कुछ नहीं होगा, होने को कुछ भी हो सकता है, अगर कोर्ट चाहेगी तो हो जाएगा। विकल्प क्या है सर? कोई विकल्प नहीं है, जनता सड़क पे आ जाए, जन आंदोलन बनाए और इसको उखाड़ के फेंक दो, यही विकल्प है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है।